डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का है ये, और एक्सरसाइज 4.4 ये एक बहुत छोटा ही एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर देना चाहता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे आज हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे 4.4। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी। एक ए बी सी नाम का ट्रेंगल बनाने के लिए कह रहा है। मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। तो इसके इंटीरियर में मतलब इनसाइड, इसके अंदर में पी पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, मार्क करने के लिए, दिखाने के लिए कह रहा है, और इसके बाहर एक्सटीरियर में, इसके आउटसाइड में क्यू पॉइंट जो है उसको दिखाने के लिए कह रहा है। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो क्या ट्रेंगल का पॉइंट ए एक्सटीरियर होगा, मतलब बाहर में होगा, या इंटीरियर होगा, अंदर में होगा, तो किस जगह पे होगा, ये पूछ रहा है कि पॉइंट ए जो है एक्सटीरियर है या इंटीरियर है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग इसको एक ट्रेंगल ड्रॉ करना होगा ए बी सी का। तो इसके लिए पेपर ले लेते हैं एक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन ले लेते हैं वन, और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए बी सी नाम का एक ट्रेंगल ड्रॉ करना है। तो एक ट्रेंगल ड्रॉ कर देते हैं, किसी भी तरह का ट्रेंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह से एक ट्रेंगल बना लेते हैं, ये हो गया, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये ट्रेंगल हो गया। इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, ये हो गया ए बी सी। अब यहाँ पे पॉइंट पी इट्स इंटीरियर, इंटीरियर मतलब इनसाइड, एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए और इसका नाम है पी, पी नाम दे दिए। एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, और एक पॉइंट फिर लेते हैं, इसके बाहर में ले लेते हैं यहाँ पे, और इसका नाम है क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहा है, इज़ द पॉइंट ए, क्या पॉइंट ए, तो पॉइंट ए यहाँ पे है, इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो क्या यह बाहर में है या अंदर में है, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ना तो यह बाहर में है और ना ही अंदर में है। ये जो लाइन होता है उस पर एक पॉइंट के रूप में है। तो यहाँ पे जब एक पॉइंट के रूप में होता है तो इसको वर्टेक्स बोला जाता है यहाँ पे, और अगर इसमें होता यहाँ पे तो ऑन द बाउंड्री जो होता है उसमें होता, तो यहाँ पॉइंट के रूप में है इसलिए एक वर्टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ए इज़ नेदर एक्सटीरियर नॉर इंटीरियर ऑफ ट्रेंगल, ना तो यह बाहर में है और ना ही ये अंदर में है। इट इज़ ए वर्टेक्स, यह एक वर्टेक्स के रूप में है, ये एक वर्टेक्स है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है और बीच में से इसको मार दिया गया है, डिवाइड किया गया है, और ए नंबर में कह रहा है आइडेंटिफाई थ्री ट्रायंगल्स इन द फिगर, इस फिगर में तीन ट्रायंगल को पहचानना है। तो यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंगल हो गया ए बी सी, और जो बांट दिया गया है तो छोटा छोटा ट्रेंगल क्या हो गया ए बी डी और ए डी सी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तीन ट्रेंगल मौजूद है, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू का ए ले लेते हैं, ए हो गया। तो तीन ट्रेंगल यहाँ पे क्या मौजूद है, सबसे पहले ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रेंगल है ट्रेंगल ए बी डी, ये हो गया, और लास्ट में और लास्ट ट्रेंगल है ट्रेंगल ए डी सी, ए डी सी, ये हो गया। तो ए नंबर का आंसर ये हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल्स, यहाँ पे सात एंगल्स इसमें से निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे फिगर में ही समझ लेना होगा, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एंगल ये हो गया बी जो दिखाई दे रहा है, एक एंगल ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो सिंपली पहले हम लोग को मिलता है जो दिखाई दे रहा है, एक एंगल ये हो गया, राइट एंगल हो जाएगा, और फिर एक एंगल यहाँ राइट एंगल हो गया, इधर एक दो तीन हो गया, और यहाँ पर एक हो गया चार, ये एंगल हो गया, और यहाँ पर एक एंगल हो गया पाँच हो गया, और उसके बाद यहाँ एक एंगल हो गया छः, और फिर ये एक पूरा जो ये एंगल है इस पर हो जाएगा एक, यहाँ से लेके यहाँ तक सात, सेवन एंगल हो गया।
तो इस तरह से पहले हम फिगर में इसको आसानी से समझ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखने में दिक्कत नहीं होगा, वरना मिस्टेक हो सकता है। इसको जैसे फिगर में समझ लेते हैं तो उसमें मिस्टेक होने की कोई संभावना नहीं रहता है। बी नंबर का यहाँ पे है, ये देखिए सबसे पहले हम एंगल लिए हैं, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये हो गया। उसके बाद एंगल ए डी बी, ए डी बी, फिर एंगल ए डी सी, ए डी सी हो गया। उसके बाद डी सी ए, एंगल डी सी ए, चार एंगल हो गया। और ए में ही तीन एंगल है तो यहाँ चार एंगल निकल गया, बी डी डी दो हो गया, एक सी निकल गया, और ए में तीन एंगल है तो इसको हम नीचे लेते हैं ए वाला एंगल को। सबसे पहले सी ए बी जो बड़ा वाला है, एंगल सी ए बी तो गया। उसके बाद एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी ये हो गया। उसके बाद एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये हो गया, कंप्लीट हो गया। ऊपर में चार और नीचे में तीन, सात एंगल हो गया, सेवन एंगल निकालने के लिए कह रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। इसलिए एकदम बिल्कुल फिगर को समझना है और उसके बाद उसी में मार्क कर दीजिए, उसके बाद बनाइए, कोई संभावना नहीं रहेगा गलती होने का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी जिसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट्स, छः लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पिक्चर में ही सबसे पहले हम लोगों को कर लेना होगा, जैसे कि छः लाइन सेगमेंट यहाँ से निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, एक हो गया ए सी, दो हो गया, और ये बी सी तीन हो गया, और फिर ए डी चार हो गया, और यहाँ से बी डी पाँच, और डी सी छः हो गया। इस तरह से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइन सेगमेंट हम लोग को ए बी ये मिला, तो लाइन सेगमेंट का मार्क लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद ए सी, उसके बाद बी सी, बी सी ये तीन हो गया। उसके बाद ए डी, ए डी ये हो गया। उसके बाद बी डी, बी डी और डी सी, डी सी ये हो गया, ये सिक्स लाइन सेगमेंट्स हो गया। और ये इसका आंसर हो गया सी नंबर का। अब लास्ट बच गया है डी नंबर, तो डी नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच टू ट्रेंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, कौन से दो ट्रेंगल में एंगल बी जो है वो कॉमन है। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, तो बी यहाँ है, तो एक ट्रेंगल तो ये हो गया सबसे बड़ा वाला जो हो गया ए बी सी, इसमें ये एंगल बी जो है इसमें तो आ ही रहा है ए बी सी सबसे बड़ा वाला में, और एक इस ट्रेंगल में आएगा ए बी डी, ये एक ट्रेंगल छोटा वाला जो है इसमें आएगा, तो इन दोनों ट्रेंगल का एंगल बी जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर डी, ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रेंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रेंगल में एंगल बी कॉमन है, तो ये यही आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर डी का। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। इसमें और दो एक्सरसाइज बचे हुए हैं तो उसको भी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इसको बनाने में पूरा प्रयास किया है कि किसी तरह का कोई डाउट ना बचे। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।